لله ثم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي كان عليا في درجاتي فاطما في تطهيراتي حسنا في صفاتي شهيدا في تجلياتي زين العابدين بعباداتي باقرا في علم الاولين والاخرين بمعلوماتي سبحان الله سبحان الله صادقا في اقوالي قائما في جميع احوالي متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء سبحان الله سبحان الله هاديا الى سبيل النجاة سبحان سبحان عسكريا مع الوضع مهديا الى طريق اليقين سبحان الله غوغ العالمين سبحان الله معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين سبحان الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة سبحان الله سبحان الله إن الله مع الصابرين سبحان الله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله شاهست حسين سبحان الله بادشاهست حسين دینست حسین دی پناہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کی بلائے لا الہ حسین سبحان اللہ سبحان ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ سیدنا محمد مبارک وسلم کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایمان والوں سے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ایمان والوں کو پہچاننے والا کوئی نہیں کسی کا فتویٰ ہو ظاہری تقویٰ ہو وہ جانے ہیں مگر میرا رب جانتا ہے کہ ایمان والے ہی ماننے والے ہیں اسی لیے ایمان والوں سے کہا مدد مانگو صبر سے اور نماز سے وعینی قرآن میں ایک جگہ اور نستعین ہے استعانت ہے سورہ فاتحہ میں یا کا نام دو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہم تجھ ہی کو پوجائیں تیری ہی مدد چاہیں
तो कहते हैं ना कि बस अल्लाह ही की मदद कुरान में है। तो मैंने कहा सब्रो समा से मदद मांगो, कुरान में है। तो एक आज को मानना, दूसरी आज को ना मानना तबीयत है, पूरे कुरान को मानना शरीयत है। वो तबीयत पर चलते हैं, हम शरीयत पे चलते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम जान गए कि मदद मांगने की दो किस्में हैं, एक वो मदद जो अल्लाह से मांगी जाए और एक वो जो अल्लाह की पसंद से मांगी जाए। सब्र अल्लाह को पसंद है, नमाज अल्लाह को पसंद है, तो ये वास्ते से मदद मांगना, वो डायरेक्ट मदद मांगना। तो जब डायरेक्ट अल्लाह से मदद मांगेंगे तो इय्याका नस्तईन, और जब वसीले से मदद मांगेंगे तो इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह। सुभान अल्लाह। इन्नल्लाहा मा सबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, अल्लाह साबिरों के साथ है, अल्लाह साबिरों के साथ है। चाहे करबला का साबिर हो या कलियर का साबिर हो, सुभान अल्लाह, उनके फिरके में न करबला है न कलियर है न साबिर है, सिर्फ जालिम है। एक बात बताओ, मदद मंगवाया रब ने दो से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह, बिस्सब्र वस्सलाह, दो से मदद मांगने को कहा। और जब बात साथ रहने की आई तो कहा इन्नल्लाहा मा साबिरीन, नमाज पढ़ने वालों को किनारे कर दिया। इस्लाम में नमाज से बढ़कर कोई इबादत नहीं। बेशक अल्लाह ने क्यों नहीं कहा इन्नल्लाह माल मुसल्लीन, अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ, पूरे कुरान में कहीं नहीं है। इन्नल्लाह मा साबिरीन कई जगह है। हाफिज़े कुरान को चाय पे बुलाना, नाश्ता पानी कराना, सारी आयतें सुन लेना, मगर मेरा चैलेंज है पूरे राजस्थान को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे जहान को, एक आयत दिखा दो जिसमें कहीं हो इन्नल्लाह माल मुसल्लीन, अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ। एक आयत नहीं, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। भाई अंदर की बात तो ये है कि नमाज से बढ़कर कोई अफजल इबादत नहीं है, लेकिन पढ़ने वाला तो अलग है। अफजल नमाज है, पर नमाजी कैसा है? लाजवाब नमाज है, पर नमाजी कैसा है? बेहतरीन नमाज है, पढ़ने वाला कैसा है? रब के लिए पढ़ता है या सबके लिए पढ़ता? रब को दिखाता है या सबको दिखाता? उसकी नमाज न दिखाई पड़े तो घर में आके दरवाजा खटखटाता है, बाहर निकल के नमाज देख, तीन दिन अपने पास रख के दिखाता कि अब तो तेरे को देखना पड़ेगा। कौन सा नमाजी कहता नमाजी? नमाजी अलग अलग है, मगर नमाज एक है, अफजल तरीन है, बेहतरीन है, सर्वश्रेष्ठ है। उसकी महानता और महत्ता तो मेरे माँ बाप कुर्बान, कितनी बड़ी इबादत, फिर भी खुदा ने नहीं कहा। का सुनो, दोनों में बहुत फर्क है। क्या मोटा मोटा फर्क बताऊं जो तुम्हारी समझ में आ जाए? अगर वो खाली जगह है, एक आदमी वहां नमाज पढ़े, मैं यहीं से जान जाऊंगा नमाज पढ़ना,
कानों तक हाथ का उठाना, आग बांधना, रुकू में जाना, खवा होना, सजदे में जाना, दूर से जान जाओगे कि नहीं कि नमाज की हालत में है। नमाज की हालत जाहिर है, नमाज की हालत क्लियर है, दिखती है, दिखाई पड़ती है, दृष्टि गोचर होती है, नजरों में आ जाती है कि यह हालत है नमाज में। उतनी दूर वो झाड़ के पास कोई नमाज पढ़ रहा है, मैं यहीं से जान जाऊंगा कि नमाज की हालत में है, क्योंकि ये जाहिर है, जाहिर। और सब्र बाकिन है, सब्र बाकिन है। मेरे बगल में बैठा हुआ कोई सब्र कर रहा है, मैं नहीं जान सकूंगा, क्योंकि नमाज को सब देखते हैं, सब्र को रब देखता है। सुभान अल्लाह। जिसका बातिन अच्छा है, जिनका इंसाइड अच्छा है, जिनका हार्ट अच्छा है, जिनका इंटेंशन अच्छा है, जिनका दिल अच्छा है, जिनका सीना अच्छा है, रब उसी के साथ है। और ये तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा हुआ जो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है, बड़ा गड़बड़ हो जाए। अल्लाह ने नहीं कहा कि नमाज पढ़ने वालों के साथ है, कहा सब्र करने वालों के साथ है। हमारे लिए आसानी हो गई, आसानी हो गई। अगर कहीं खुदा ने यह कहा था कि मैं नमाज पढ़ने वालों के साथ हूं, तो हम लोग गड़बड़ा जाते कि मैदाने करबला में अल्लाह किसके साथ है। इधर भी अजान है, उधर भी अजान है, इधर भी नमाज है, उधर भी नमाज है, इधर भी रुकू है, उधर भी रुकू है, इधर भी सजदा है, उधर भी सजदा है, इधर भी कयाम है, उधर भी कयाम है, इधर भी असर है, उधर भी असर है, इधर भी जोहर है, उधर भी जोहर है, इधर भी मगरिब है, उधर भी मगरिब है। अब जब अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है, तो मालूम नहीं इस ग्रुप के साथ है या इस ग्रुप के साथ है। अल्लाह ने हमें बचा लिया कि करबला में खुदा किसके साथ है, तो इनकी नमाज न दे, देख कि सब्र किसके साथ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये वो साबिर है जिसने नमाज की अहमियत को, नमाज के झंडे को लहराया। आओ एक नमाज पर नजर डालें, इनकी नमाज, उनकी नमाज, इसकी नमाज, उसकी नमाज छोड़ यार, नबी की नमाज, बेदाग नमाज, मुकम्मल नमाज, नमाज ही नमाज, नबी की नमाज। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की नियत करके खड़े हुए, रुकू में गए, खड़े आराम से, सुभान रब्बिल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, खड़े हो गए, ठहर ठहर के इत्मीनान से पढ़ रहे हैं। आपको भी ठहर ठहर के इत्मीनान से पढ़ना चाहिए, हड़बड़ा के मत नमाज पढ़ो। सजदे में न जाने कहां से घूमते हुए इमाम हुसैन आ गए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिचुएशन देखा, सजदे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एकदम परफेक्ट सजदा। परफेक्ट सजदा किसको बोलते, आपका दोनों हाथ जमीन पे है, मुसल्ले पे है, फर्श पे है, पांचों उंगलियां काबे की है, हथेली जमीन पर, माथा जमीन पर, नाक की हड्डी तक आपने दबा लिया, परफेक्ट। दोनों घुटने जमीन पर,
और पैरों की दसों उंगलियां काबे की तरह दस की दस मुड़ी हुई, ऐसा सजदे की सिचुएशन जब बनाओगे तो ऐसी सूरत बनेगी कि अगर पीठ पर गिलास भरा पानी रख दो तो पानी छलकेगा भी नहीं। कितना बढ़िया, इतनी बढ़िया सिचुएशन होगी। हुजूर उसी हालत में इमाम हुसैन पीठ पर बैठ गए। पहले पूरा वाकया सुनो, फिर उस पर मेरा तबसरा। रसूल पाक ने तस्बीह बढ़ा दी, जब तक इमाम हुसैन पीठ पर रहे रसूल ने सर नहीं उठाया। काफी देर के बाद इमाम अली मुकाम पुश्ते मुबारक से उतर गए, रसूल पाक ने नमाज पूरी कर दी। यही बात है, पर आज हमसे सुनो, और इसी में बोलने दीजिए, आपको रोकने का हक किसने दिया, कलेक्टर हो, दरोगा हो। अभी आजाद हिंदुस्तान में कुछ बोलने की नहीं आजादी नहीं है। ये भारत जो है ये हमारे लिए जान से ज्यादा प्यारा है, ये देश हमको बहुत प्यारा है, क्योंकि कारण होता है, हम सिर्फ जन्म से हिंदुस्तान वाले नहीं हैं, हम उन लोगों में नहीं है जो जन्म से हिंदुस्तानी है, हम जन्म से हिंदुस्तान वाले नहीं हैं, ख्वाजा के करम से हिंदुस्तान वाले बेशक, हम यतीम नहीं हैं। ये मेरे ख्वाजा की धरती है, महबूबे इलाही की धरती है, ये सूफी हमीदुद्दीन नागपुरी की जमीन है, ये मखदूम शमनानी की धरती है। अब मैं इस भारत के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए ख्वाजा ने संजर, अशरफ ने सल्तनत छोड़ दिया, मिला तो भारत में, मुर्शिद मिला तो भारत में, रूहानियत मिली तो भारत में, गौसियत मिली तो भारत में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारे लिए भारत एक जमीन का टुकड़ा है, मगर हमारे लिए भारत वलियों का तोहफा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक इसीलिए उन अय्याश अरबों के चंदे से लश्कर बनाना, जैश बनाना, तेरा जैश कुछ नहीं कर पाएगा, सुन्नियों का तैश भारी रहेगा। हरे तकबीर, हरे रिसालत, हम अपना ईमान भी बचाने में आगे हैं, हिंदुस्तान बचाने में भी आगे हैं। हमें पिछला गुमर समझना, हम गरीब जरूर हैं, बुजदिल नहीं। सुभान अल्लाह। और ये गरीब होना हमारी कमजोरी नहीं है, हमारा अभिमान है। बेशक गरीब होना हमारा सम्मान है, गरीब होना हमारी ताकत है। हाँ, दूसरे लोग गरीब हो जाएं तो मर जाएंगे, हम गरीब हो जाएं तो जी जाएंगे। चाइना गुर्बत से डरे, नेपाल गरीबी से डरे, यूरोप गरीबी से डरे, अमेरिका का ट्रंप डर जाए गरीबी से, भारत का गरीब डरने वाला नहीं। भारत में खतरा अमीरों को है। इंक्वायरी उन्हीं की चल रही है, अमीर इन डेंजर, भागना पड़ता है। इतना महान भारत छोड़ना पड़ता है, अमीरों को डेंजर है, केस उन पर है, जमानत पे वो है,
अंदर भी वो है या देश के बाहर वो है, ठहराव नहीं है देश में, क्योंकि अमीर है, अमीर को घबराहट है और भारत में गरीब को राहत है। बेशक कारण यह है कि अमीरों को बचाने के लिए कोई अमीर नवाज नहीं है, गरीबों को बचाने के लिए गरीब नवाज है। लास्ट में डाउन क्यों हो जाए? नारे तकबीर, नारे रिसाल। अब जब मुस्कुरा कर आप रिलैक्स हो गए हैं तो इसी वाक्य को हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुजूर सैयद मोहम्मद मदनी मियां शफी जिलानी ने दो मिसरों में कहा है, सिप्ते नबी है पुश्ते नबी पर और सजदे की हालत है, आका ने तस्बीह बहा दी बेटा ही कुछ ऐसा है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सजदे में है, आपने कभी न कभी सजदा तो किया है, मेरा विश्वास है, न रोजाना, हफ्ता हफ्ता तो पक्का है, अगर उसमें भी कोई फिसल जाता है तो सालाना तो बिल्कुल पक्का है। सजदा आपने किया है, आप जब सजदे में जाते हैं तो आंखें जमीन पर, नाक दबी हुई, माथा लगा हुआ है, कुछ जगह ही पड़ता है क्या? सजदे की हालत में तुम आगे देख सकते हो, अब तो अपनी पोजीशन समझो, तुम सजदे की हालत में आंख के आगे नहीं देख पाते, मेरा नबी सजदे की हालत में पीठ के पीछे देख रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक आ गया मेरा लाल, मेरी पीठ पर मेरा हुसैन, सुभान अल्लाह, आत्मा का चैन, सुभान अल्लाह, अली का नूर लाइन, बेशक पूरी उम्मत का हुसैन पीठ पर आ गया, सजदे में देख लिया। अब तो ये गलती मत करो ना कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, क्या बात, क्या बात, नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, पीठ पीछे हुसैन को पहचान लिया, अब हुसैन बैठे हुए और नबी करीम ने क्या किया? आका ने तस्बीह बढ़ा दी, सुभान रब्बी अला सुभान रब्बी अला सुभान रब्बी अला, तीन बार कहकर सरदार सर उठा सकते थे, पांच बार कहकर के सर उठा सकते थे, सात बार कहकर के उठा सकते थे, गिनती के साथ उठा सकते थे, लेकिन जब हुसैन बैठ गए गिनती बंद, गिनती स्थगित, सब रुक गया, बस सरकार कहे जा रहे सुभान रब्बी अला सुभान रब्बी अला सुभान, असर नहीं उठा रहे सुभान रब्बी अला सुभान रब्बी अला, इमाम हुसैन पीठ पर बैठे हैं तो सर नहीं उठा रहे सरकार, सुभान रब्बी अला सुभान रब्बी अला, अल्लाह के लिए कह रहे हैं सुभान रब्बी अला सुभान, अब हुसैन का ख्याल है अभी पीठ पर बैठा है तब नहीं उठा रहे, जुमला धीरे से बोलूंगा जबरदस्त समझना, मेरे नबी ने सर झुकाया था हो खुदा के लिए, नहीं उठा रहे हैं हुसैन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कीमती है हुसैन, कितने अजीम है हुसैन, कितने बावकार है हुसैन, कि सर झुका था खुदा के लिए नहीं उठ रहा है हुसैन के लिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बात और बताओ,
कि नबी उसकी उस वक्त कैफियत क्या थी। नमाज में है, नमाज तोड़ेंगे नहीं, हुसैन को छोड़ेंगे नहीं। क्या बात है, नमाज को तोड़ेंगे नहीं, हुसैन को छोड़ेंगे नहीं। तो क्या सिचुएशन थी सज्जे में रसूल पाक सुभाने रब्बे आला सुभाने रब्बे आला सुभाने रब्बे आला। एक तो ये है, और दूसरे दिल में क्या है, अभी हुसैन पी पर बैठे हुए हैं, अभी भी बैठे हुए हैं, अभी भी बैठे हुए हैं, सुभाने रब्बे आला सुभाने रब्बे आला सुभाने रब्बे, जुबान से सुभाने रब्बे आला सुभाने रब्बे, दिल में अभी बैठे हुए हैं, अभी बैठे हुए हैं, अभी भी बैठे हुए हैं। जुबान से जिक्र खुदा, दिल में ख्याल हुसैन। सुभान अल्लाह, कितना कीमती है हुसैन, कितने अजीम है हुसैन, बेशक कितने बेमिसाल है। सुभान अल्लाह, एक बात और बोलूं, जब बंदा नमाज की नियत करके खड़ा हो जाता है, वो कहता है अल्लाहू अकबर, अल्लाह से करीब हो जाता है। परिवार को छोड़कर, घर बार को छोड़कर, कारोबार को छोड़कर अल्लाह की राह में खड़ा हो गया, अल्लाहू अकबर, अल्लाह के करीब। रुकू में जब जाता है और भी करीब, और सजदे में बहुत ही करीब हो जाता है। सजदे में संपूर्ण आत्मसमर्पण, टोटल सरेंडर टू अल्लाह अलमाइटी, बहुत करीब हो जाता है। अरे जब वली सजदे में होता है, वली सारे पर्दे उड़ जाते हैं, सारे हिजाब हट जाते हैं, सारी दीवारें टूट जाती हैं, सारी रुकावटें खत्म हो जाती हैं। वली सजदे में खुदा की जात के इतने करीब कि सारे पर्दे उड़ जाते हैं। जब वली सजदे में अल्लाह से इतना करीब होता है, तो नबी सजदे में कितने करीब। अब नबी सजदे में हैं, अल्लाह से बहुत करीब हैं, और वहां तक ख्याल हुसैन, वहां तक तसव्वुर हुसैन, जहां जहां तक ज़हने मुस्तफा, वहां वहां तक ख्याल हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दीन की है हुसैन, कितने अजीम है हुसैन, बेशक कितने बेमिसाल है हुसैन। फिर क्या हुआ, इमाम हुसैन पुश्ते मुबारक से उतर गए, बच्चे ठहरते कहां, 10 मिनट कोई खिलौना दिया, 10 मिनट उसमें लिया, दूसरा 10 मिनट कहीं बैठा है, चला गया, बच्चों को देखते हो ना घर में। इमाम अली मुखाम पुश्ते मुबारक पर बैठ गए, बैक बोन ऑफ होली प्रॉफिट, और कुछ थोड़ी देर के बाद उतर गए। तो रसूल ने क्या किया, नमाज पूरी कर ली, दोहराया नहीं, एक एक लफ्ज पे ध्यान देने के जरूर, नबी ने नमाज दोहराया नहीं, सजदे शहव भी नहीं किया, यानी नमाज खराबी नहीं हुई। इतनी देर तक ख्याल, इतनी देर तक पुश्ते मुबारक पर हुसैन बैठे हुए, अल्लाह जाने कितनी देर तक बैठे हुए, मुफ्तियाने कलाम की भाषा में अमले कसीर रहा कि नहीं रहा, इसके बावजूद नबी ने सज्जा शव नहीं किया, नबी ने नमाज नहीं दोहराया, नमाज खराब नहीं हुई। एक बात अच्छी तरह से नोट कर लो, मेरा इमाम अली मखाम
अपनी तमाम तर अजमतों, रिफतों, बुलंदियों, बरगुजीदगी के बावजूद उम्मती है। बेशक मेरा इमाम अपनी सदाकतों, अदालतों, सखावतों, शुजाअतों, सियादतों, कयादतों, तहारत के बावजूद उम्मती है। बेशक ज़ुल्फ़िकार हैदरी की धार है मगर उम्मती है। सुभान अल्लाह, सुभान। चादर ज़हरा का वक़ार है मगर उम्मती है। बेशक मेरे नबी का प्यार है मगर उम्मती है। नौजवानाने जन्नत के सरदार है मगर उम्मती है। बेशक इमाम हुसैन उम्मती है कि नहीं? बेशक उम्मती है कि नहीं? बेशक अब आओ कम टू द पॉइंट। इमाम हुसैन उम्मती है? बेशक नबी नमाज में है, उम्मती ख्याल में है। तवज्जो चाहूंगा। बेशक नबी नमाज में, उम्मती ख्याल में। बेशक नबी की नमाज खराब नहीं हुई, नबी की नमाज खराब नहीं हुई। तो इन जाहिलों से कह दो कि जब उम्मती के ख्याल से नबी की नमाज खराब नहीं होती तो नबी के ख्याल से उम्मती की नमाज कैसे खराब होगी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसी वाक़े पर आखिरी बात अर्ज करना चाहूंगा। नमाज, अरे आपने सारी रकतें अरकान नमाज सलात नमाज के जो अरकान हैं तरीक़ा सही सही कर दिया, नमाज हम समझे हो गई, शरीयत ने बोला हो गई, ये तो अल्लाह जाने हुई की नहीं हुई, उसने कबूल कर लिया हो गई, नहीं किया तो नहीं हुई। नमाज को अब्दुल्ला इब्ने अब्बास भी पढ़ते थे जो कबूल हुई, और अब्दुल्ला मुनाफिक भी पढ़ता था, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम भी पढ़ता था। पर नमाज वही है यार, कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं? जो आप घर में, अगर कोई मुकीम घर में नमाज पढ़ता है उससे ज्यादा सवाब मिलेगा अगर मस्जिद में पढ़ता। ये आप जानते हो ना? कभी सोचा क्यों? क्या घर का अल्लाह कोई और है, मस्जिद का अल्लाह कोई और है? इबादत जब खुदा की है तो जहां करो सवाब बराबर मिलना चाहिए। नहीं, मामला बराबर का नहीं है। सवाब ये नमाज में नहीं मिल रहा है, तेरी उस अदा पे मिल रहा है। बेशक कि जब तू मस्जिद के लिए निकलेगा तो क्या क्या करेगा? अपनी बीवी बच्चों को छोड़ेगा, अपना बेडरूम छोड़ेगा, अपना परिवार छोड़ेगा, अपना घर संसार छोड़ेगा, पीठ दिखा दिया परिवार की तरफ, मुंह कर लिया परवरदिगार की तरफ। इस वजह से तेरा सवाब बढ़ गया। सुभान अल्लाह, तूने दुनिया की तरफ पीट कर लिया पर अपने मौला की तरफ अपना रुख कर लिया। सुभान अल्लाह। और फिर जब आ जाओ नमाज पढ़ो तो दीन ही में डूब के पढ़ो। दीन अगर नमाज में सारी दुनिया विचारों में आए और हमारे दिमाग के सागर में दुनिया ही सिर्फ लहरें मारे तब ये तेरे अंदर है, मैं क्या जानूं? मैं तो कहूंगा मेरे मुरीद की नमाज हो गई। पर यार वो कौन सी नमाज है जिसमें दुनिया ही दुनिया, ओनली दुनिया। एक मुरीद था अपने पीर साहब के पास आया, बोला पीर साहब मेरी एक चाबी है, कुंजी वो गुम हो गई और जिस बक्से की वो चाबी है उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, प्रॉपर्टी के पेपर हैं। दुआ कीजिए कि
कुंजी मिल जाए। तो पीर साहब ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह तू तो हाफिज़े कुरान है। अजी हुई का जा दो रकात नमाज नफिल की नियत कर और नमाज पढ़ना शुरू कर दे। अलिफ लाम मीम ज़ालिका किताबुल्लाह रैब फ़ीह। पढ़ते पढ़ते अल्लाह ने चाहा तो तुझे याद आ जाएगा कि चाबी कहाँ है, कुंजी कहाँ है। और जब तक याद ना आए पढ़ता चला जाए, चाहे दो रकत में पूरा कुरान हो जाए। पीर का हुक्म था, मुरीद खड़ा हो गया, अल्लाहु अकबर, सूरह फातिहा पढ़ा, सूरह बकरा शुरू। एक पारा हो गया, दो पारा हो गया, इबलीस परेशान हुआ। अगर इसको चाबी याद ना आई तो ज्यादा से ज्यादा सवाब ले जाएगा। कारण दिमाग में आया और बोला कि तेरी खटिया का जो पाया है उसके नीचे गिरी नीचे। दो रकात नमाज पूरी करके वो घर आया तो देखा वाकई चारपाई का जो पाया है उसके नीचे घुसी हुई। पाया को उठाया, कुंजी को निकाला, पीर के पास आया, बोला हुजूर न दुआ न ताबीज, हाथ भी नहीं उठाया, ताबीज भी नहीं दिया, दो रकात नमाज पढ़ने को कहा और मुझे मेरी चाबी मिल गई। पीर साहब बोले मेरे को पता था कि चाहे घर में सारे ख्याल आए या ना आए, नमाज में इतने ख्याल आएंगे कि उसमें ये भी ख्याल आ जाएगा कि कुंजी कहाँ है। ये कोई नमाज है? जैसे इमाम कहता अल्लाहु अकबर और पीछे नमाजी कहते अल्लाहु अकबर, कोई हाथ गर्दन की तरफ ले जा रहा, किसी को यहाँ खुजली हो रही, किसी को यहाँ खुजली हो रही, किसी की नाक बंद हो रही है, कोई खेकार रहा है। और जैसे ही वो नमाज मुकम्मल हो जाती है सब साइलेंट। जब चाहो जुमा मस्जिद में आजमा लो। बेशक ये जमा बोल तो सकता नहीं, जबान दुखी है, बाकी सब काम चालू। अल्लाह अकबर, ये नमाज है। नमाज तो वो नमाज है जिसमें दुनिया का ख्याल ना आए। बेशक मुझे एक वाकया याद आया, मखदूमुल औलिया हम सभी है गौसे आजम, शेखुल मशाइख सैयदी मुर्शिदी सैयद अली हुसैन अशरफी जीवनी, अब उनको क्या है इसी से अंदाजा लगा दो कि उनके खलीफा का नाम क्या। उनके खलीफा में आला हजरत फाजले बरेलवी के बड़े बेटे हुज्जतुल इस्लाम उनके खलीफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, साहिब तसानीफ कसीरा मुफ्ती अहमद यार खान साहब हकीमुल उम्मत उनके खलीफा हैं। सुभान अल्लाह, सुल्तानुल वाइजीन उनके खलीफा हैं, बेशक सरकार कलाम उनके खलीफा। सुभान अल्लाह, सूफी बासफा सैयद मुस्तफ़ा अशरफ उनके खलीफा हैं। खलीफा के खलीफा हैं, हाँ अपने भाई के थे वो। आप गौर फरमाए, अंदाज़ा लगाइए कि मुबल्ले आलम सैयाह आलम अब्दुल अली मेरठी, इमामुल नायब सदुल उलमा सैयद गुलाम जीलानी मेरठी, सदुल फाजिल फखरुल नवासिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जब खलीफा का आलम ये है तो मुर्शिद का आलम क्या होगा। बेशक सुभान अल्लाह, वो किस जगह शरीफ से चले, देवा होते हुए लखनऊ जाना था, अभी देवा शरीफ में दाखिल नहीं हुए कि बगैर किसी इत्तला के वारिसुल औलिया सैयदी मुर्शिदी सैयद वारिस अली शाह
अपने खादिम से बोले, इधर आ, सुनो जी सुनो जी, एक लोटे में पानी ले आ। वो हैरत में लोटे में पानी लाया, हजरत ने वजू किया, जैसे ही हजरत के बदन पे लगा हुआ पानी खुश्क हुआ, सूखा, सामने हम शबी गौसे आदम सैयद अली से, क्या टाइमिंग है, इतनी परफेक्ट टाइमिंग तो तेरी सोशल मीडिया में भी नहीं है, बेशक न तार न टेलीफोन न कॉन्टैक्ट, लेकिन वारिस पाक को मालूम हो गया कि जीलानी शहजादा गरीब नवाज की अदाएं लिए हुए सुभान अल्लाह आने ही वाला है, वजू किया, न हाथ पकड़ा न हाथ चूमा, आंखों ही आंखों में बात हो गई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार अशरफी मियां मस्जिद की तरफ चल पड़े, वारिस पाक भी पीछे पीछे चल दिए, नमाज जब मुकम्मल हो गई, लोग सुन्नतों से फारिग होकर बाहर निकले तो पूरे देवा में चर्चा का विषय बन गया, आज वारिस पाक ने नमाज पढ़ी है, हमने देखा है आज पढ़ी है, हमने देखा है आज पढ़ी, हमने देखा है। अबे अल्लाह का वली नमाज कैसे छोड़ेगा, अदब करना तुम्हें नहीं आता, कहना है तो ये कहो, आज नमाज पढ़ते हुए दिखाई पड़े, आज पढ़ते हुए दिखाई पड़े, सुभान अल्लाह। अबे जब देखा है तो देखा बोल, ये कैसे बोल दिया कि पढ़ा है आज, अंदर की बात तुझे क्या मालूम। तू उन लोगों को नहीं जानता जो लोगों को नहीं मानते, तू उन लोगों को नहीं जानता जो लोगों को नहीं मानते। हमें तुम्हें पता है ना कि जब एहराम बांध करके तुम काबे में जाते हो, एहराम नहीं उतार सकती जब तक काबा नजर से हट ना जाए, बाल नहीं काट सकते जब तक काबे से अलग ना हो जाओ, काबा जब तक सामने रहेगा एहराम में रहोगे कि नहीं, बाल चाहे जितना बढ़ता चला जाएगा बढ़ने दोगे कि नहीं। ये हम हैं कि सब तवाफ काबे का सफा मरवा की सही करके काबे से हमारी नजरें हट जाती हैं, इसलिए हम बाल भी कटवाते हैं एहराम भी उतार देते हैं, मगर उस वारिस पाक से एहराम कैसे उतारोगे जिसकी नजरों से काबा हटता ही नहीं। बेशक वलियों की बात को अपने ऊपर कयास मत करो, वो हलक कराए तो कैसे, वो एहराम उतारे तो कैसे, हमारे चंद लम्हों के लिए काबा सामना होता है, वो तो हम वक्त काबे के सामने नजर आते हैं। बेशक तो पंज वक्ता नमाजी और है, हम वक्ता नमाजी और है, अदब से बोला करो, बोलो आज दिखाई पड़े। हाँ ये मैं मानता कि जब अशरफी में आए तो वारिस पाक नमाज पढ़ते हुए दिखाई पड़े, अबे वो अल्लाह के वली हैं, दिखाने के लिए नहीं पढ़ते, बेशक वो कोई और जमात है जिसके मुकद्दर में है कि वो अल्लाह के लिए नहीं पढ़ती, दिखाने के लिए पढ़ती है। लोगों में चर्चा का विषय, एक गया खादिम पूछा, हुजूर लोग जानना चाहते हैं कि पहले तो आप नमाज पढ़ते हुए नहीं दिखाई पड़ते थे, आज दिखाई पड़े क्यों। कहा बेटा मैं तो रोज दिखाई पड़ू, लेकिन मेरा इमाम जवान है, मेरा इमाम जवान है, जवान है, अल्लाह अकबर तो कहता है,
औज बिल्ला सही पढ़ता है, बिस्मिल्ला दुरुस्त पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट पढ़ता है, लेकिन उसके दिल में चलता रहता है। जैसे मेरी नमाज पूरी हो जाएगी वैसे ही मैं मुतवल्ली साहब के पास जाकर ट्रस्टी से कहूँगा कि सर हमारी कुछ तनख्वाह बढ़ा दी है, खर्चा ज़्यादा है। उसके बाद सेवई वाले से कहना कि वो जो सेवई है वो हमारे लिए प्रिपेयर करना, और कुरैशी के घर जा कर के कहना कि भेजा कर रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन, और दिन में आ रहा वो टेलर मास्टर को याद दिलाना है कि बच्चों का कपड़ा हुआ कि नहीं, غير المغضوب عليهم ولا الضالين مهمان وغیرہ بھی تو آئیں گے تو اس کے لیے جب چادر وادر بچھانا نماز پرفیکٹ پڑھ رہا ہے مگر یہ دل میں کبھی متولی کے گھر میں توجہ چلی کبھی متولی کے گھر میں ہے کبھی کسائی کی دکان پر ہے کبھی بوچر کے شاپ پر ہے کبھی درزی کی دکان پر ہے کبھی ٹیلر ماسٹر کی یاد میں ہے کبھی متولی کے گھر جانا ہے کبھی وہ تنخواہ لینا ہے کبھی سوئی منڈی میں کبھی مچھلی منڈی میں تو انہوں نے فرمایا میرا امام جوان ہے جانے کہاں کہاں جاتا ہے اور میں نے یہ کہا ہے کہ پیچھے اس امام کے اللہ اکبر تو جہاں جہاں امام جائے پیچھے پیچھے میں بھی جاؤں اللہ اکبر میں کیوں متولی کے یہاں جاؤں میں کیوں گوشت کی دکان پر جاؤں ٹیلر ماسٹر کے یہاں جاؤں جب میں نے وعدہ کیا ہے کہ یہ چار رکعت نماز فرض وقت عصر واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کی امام جا رہا ہے ہر جگہ یہ بڈھا کہاں کہاں پیچھے پیچھے جائے ارے چوتھے سے آلے رسول آیا اللہ اکبر کہا خود بھی پہنچ گیا مجھے بھی پہنچا دیا سبحان اللہ نہ کہیں دوڑا نہ اس نے کہیں دوڑایا سبحان اللہ سبحان اللہ نماز وہی نماز ہے بے شک جس میں دنیا نہ ہو میں ایک ایسی نماز کی طرف آپ کی توجہ عجیب اتفاق کہ نہایت تکلیف دے واقع ہے یہ زہر آلو تیر بے تکا چبھ گیا اتنی گہرائی تک گیا اتنا درد کہ اگر کوئی اس تیر کو نکالنے کے لیے صرف تیر کو چھوتا ہے صرف ٹچ کرتا ہے تو برداشت نہیں ہوتا اور کھینچا نہ جائے تو ہڈی میں ناسور ہو جانے کا خطرہ ہے کھینچا نہ جائے تو زہر پھیل جائے ایک تجربے کار نے کہا ایسے نہیں ان کو سجدے میں جانے دو اللہ اکبر اللہ اتہاس گواہ ہے جیسے ہی وہ سجدے میں گئے پوری طاقت سے تیر کو کھینچ لیا گیا علی کو خبر میں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے نماز بے شک خدائی تو خدائی خود کی بھی خبر نہیں دنیا میں ڈوبی ہوئی اللہ جانے وہ اللہ ہی جانے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے پر اس نماز کا کیا اسٹینڈرڈ جس میں دنیا ہی دنیا ہو نماز میں کیا ہونا دین ہی دین ہو بے شک نماز میں دنیا کا خیال کرنا چاہیے وہ صاحب بولتے ہیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے نہیں دنیا کا خیال نماز میں نماز میں دنیا کا خیال کرنا چاہیے نہیں ادھر والے بتاؤ دنیا کا خیال نماز میں دنیا کا خیال نماز میں اسی جملے میں سب چھپا ہوا ہے اس لیے دہرا رہا ہوں میمورائز کر لو
नमाज में दुनिया का ख्याल करना कैसा पीछे वाले। अगर नमाज में दुनिया का ख्याल करना सही नहीं है तो रसूल ने इमाम हुसैन का ख्याल तो किया। अब हुसैन को मैं दीन कहूं या दुनिया? राजस्थान वालों मैं तुम्हें आजाद करता हूं, जो चाहो कहो, तुम जिम्मेदार हो। हुसैन को मैं दुनिया कहूं या दीन? अगर तुमने दुनिया कहा तो एतराज हुसैन पर नहीं है, एतराज नबी पर होगा कि नमाज में नबी ने दुनिया का ख्याल किया। हुसैन को दुनिया कहोगे तो नबी की नमाज पे एतराज होगा कि नबी ने हुसैन को दुनिया कहा, दुनिया में डूब गए, दुनिया का ख्याल किया। तो मेरे हुसैन को दुनिया ना कहो, वो कहो जो गरीब नवाज ने कहा है, दीनस्त हुसैन। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवज्जे ल दुनिया नहीं, मुतवज्जे ल दीन थे। इसीलिए गरीब नवाज ने कहा दीनस्त हुसैन, दीन पनाहस्त हुसैन, सरदार नदा दास्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बेलाए दाइदा हस्त हुसैन। अल्लाह गरीब नवाज के इन चार मिसरों को दुनिया ने पढ़ा, आपने भी आज मेरे नजरिए से पढ़िए, मेरे दृष्टिकोण से पढ़िए। मेरा दृष्टिकोण यह है कि जिस मिसरे में लफ्ज़े हुसैन है वहां यजीद नहीं है। क्या बात। और जिस मिसरे में यजीद है वहां हुसैन नहीं है। इस जाविये नजर से देखिए, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, यजीद गायब। दीनस्त हुसैन, दीपना हस्त हुसैन, यजीद गायब। सरदार नदार दस्त दर दस्ते यजीद, इस मिसरे में हुसैन नहीं। सरदार नदार दस्त दर दस्ते यजीद, सर दे दिया, हाथ नहीं दिया यजीद के हाथ में, या हुसैन नहीं है। हक्का की बनाए ला इलाहा हुसैन, यजीद नहीं है। जिस मिसरे में हुसैन वहां यजीद नहीं है। जिस मिसरे में यजीद है वहां हुसैन नहीं है। पूरे भारत को ख्वाजा गरीब नवाज ने यह सबक दे दिया कि जब एक मिसरे में हुसैन और यजीद का इकट्ठा नहीं करता तो एक दिल में हुसैन और यजीद को कौन इकट्ठा करेगा। बेशक। और ये बात इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम को मालूम, यही से इस सवाल का जवाब मिलता है कि इमाम हुसैन ने सबसे पहले अपनी गर्दन क्यों नहीं दी, इमाम हुसैन ने सबसे पहले जामे शहादत क्यों नहीं नोट फरमाया। क्योंकि तारीख गवाह है कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद कोई शहीद नहीं हुआ। वो चाहे अली अकबर हो, कासिम बिन हसन हो, या अली असगर हो, इन सबसे ज्यादा अजमत वाला इमाम जैनुल आबदीन है। न उस दर्जे पर अली अकबर है, न उस दर्जे पर कासिम बिन हसन है, न उस दर्जे पर अब्बास अलम बरदार है, जिस दर्जे पर इमाम जैनुल आबदीन है। इमाम हुसैन के बाद वो इमाम है, उन्हें भी शहीद नहीं हुआ, वो भी शहीद नहीं हुए, उनसे पहले इमाम हुसैन शहीद हो गए। तो इसका मतलब यह है कि हुसैन को शहीद करने के बाद यजीदी फौज का कोई दूसरा इरादा नहीं। चाहे अहम तरीन इंसान बचा हो, चाहे वक्त का इमाम बच गया हो, बेशक, चाहे उससे नस्ल चलने वाला मिजाज बच गया हो,
इमाम जैनुल आबदीन का बच जाना ये साबित करता है कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद किसी को शहीद नहीं होना था। तो अगर ये बात तय है तो अगर सबसे पहले इमाम हुसैन शहीद हो जाते तो अली अकबर भी बच जाते, कासिम बिन हसन भी बच जाते, अब्बास अलम बरदार भी बच जाते और नो मोहम्मद भी बच जाते और इमाम हुसैन की शहादत के बाद कोई और शहीद ना होता, सब गिरफ्तार कर लिए जाते। इमाम आपने देर क्यों किया, शहीद होने में ताखीर, बस वो वजह सुन लो। पहली बार ये तसव्वुर मेरे दिमाग में नया सवाल भी आया और उसका जवाब भी गरीब नवाज के मिसरे से मिला। सुभान अल्लाह सुभान, क्यों ताखीर की आपने? कहा मैं करबला में यजीद की नफरत में नहीं गया था, जाति कोई मामला नहीं था, पर्सनल मैटर नहीं था, तख्त और ताज की लालच नहीं थी, मैं तो इहया सुन्नत के लिए तजदीद के लिए गया, नुसरत इस्लाम के लिए गया, बैत कुलंदगान की दावत पर गया हूं, तो मैं रहमत आलम का नवासा हूं, तो मैं शफीउल मुजलबीन का नवासा मैं हूं, तो खता माफ करने वाले का नवासा मैं हूं, जो जख्म पर मरहम लगाए उसका नवासा, रहमत का नवासा रहमत ही होगा, करम का नवासा करम ही होगा, करम का जानशीन करम ही होगा। मेरा हुसैन अपने दुश्मनों को मौका दे रहा है, हम आ तो गए हैं, वापस होने को भी तैयार हैं, तुम्हारी हुकूमत के बाहर जाने को भी तैयार है, हमें मारने में जल्दी मत करना, हमें कत्ल करने में जल्दी मत करना, बहुत पछताओगे, बहुत रोओगे, बहुत मातम करोगे, बहुत सीना पीटोगे, हमें मारने में जल्दी मत करना। लेकिन जब इमाम हुसैन ने यह देखा कि इब्ने ज़ियाद की चापलूसी करने वाले ज़ैदी भेड़िए हुसैनी शेर को खातिर में नहीं डाल रहे हैं, तय कर लिया है इनकी तलवार अहले बैत के खून से अपनी प्यास बुझाना चाहती है, इनके नूजे की नोक रसूल के घराने को जख्मी करना चाहते हैं, फिर भी दुश्मनों पर हुसैन ने एक करम की नजर डाली, जालिमो रुक जाओ, किसी को कत्ल मत करो, लेकिन अगर तेरी तलवार हमारे लहू की प्यासी है, हमारे खून से प्यास बुझाना चाहती है, तो लो मैं तुझे आओनो मोहम्मद दे रहा हूं, इससे अपनी तसल्ली कर लो। अब भी तुम पास नहीं आ रहे हो तो लो मैं तुम्हें कासिम बिन हसन दे रहा हूं, मेरे भाई का नूर नजर है, हसन मुश्तबा का दिल दिलदार है। अब भी तुम रुक नहीं रहे हो तो लो अली अकबर की जवानी लूट लो और रुक जाओ, इस पर भी अगर तुम नहीं ठहरते तो लो मैं अब्बास अलम बरदार शाहकार वफा कमर बनी हाशिम इसके बाजुओं को काट कर अपना इरादा पूरा कर लो और वापस चले जाओ।
اب بھی اگر تیری تسلی نہیں ہوتی تو میری گود میں علی اصغر حدوتی کا بچہ ہے, اس کو بھی میں تیرے سامنے لاتا ہوں. ارملا کا تیر چلا جو پیوست ہو گیا گلے میں, اور سرکار سیدنا علی اصغر کی پیاس تو بجھ گئی مگر جب جسم سے روح نکل گئی. اب تو رک جا, توجہ, حسین کو مارنے میں جلدی مت کرنا, ابھی تک جتنے کو تم نے قتل کیا ہے شہید کیا ہے اس کی وجہ سے تم قاتل مومن ہو, قاتل عباس, قاتل مومن, قاتل قاسم, قاتل مومن. جس نے علی اصغر کو شہید کیا ہے قاتل مومن, جس نے حضرت عباس کو شہید کیا ہے وہ قاتل مومن. قتل مومن بہت بھیانک جرم ہے, لیکن میں شفیع المذنبین کا نواسا ہوں, تمہاری بخشش کروا سکتا ہوں. اگر مجھے مارنے میں تم نے جلدی کیا تو میرا قاتل قاتل مومن نہیں قاتل دین بن جائے گا. شک حق ہے, اور قاتل دین کی مغفرت نہیں ہوگی. دینست حسین دی پناہست حسین, حسین دین ہے تو حسین کا قاتل قاتل دین ہے, اور قاتل دین کی مغفرت ہو نہیں سکتی. امام علی مقام ایسی حالت میں بھی موقع دے رہے کہ کچھ ایسا چھوٹا گناہ کر کے رک جاؤ, یا بڑا گناہ کر کے جو صرف گناہ ہو تو بخشوا سکتا ہوں, لیکن اگر بغاوت ہو گئی تو کون بخشوائے گا؟ کیوں نہ کہا جائے حقا کی پیرائے گا ہست حسین, بادشاہست حسین, دینست حسین, دی پناہست حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ابھی اندھیرے میں ان لوگ ہیں. کشمیر سے کنیا کماری تک 130 کروڑ. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, پورے بھارت کو بیدار تو ہو لینے دو, 6 ارب دنیا کی آبادی بیدار تو ہونے دو, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. جان دے سکتا ہے, ایمان نہیں دے سکتا جس کو کردار حسین ابن علی یاد رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ, سبحان اللہ.